दुनिया का पहला क्वाड कैमरा वाला स्मार्टफोन जिसमें चार चार कैमरा लगे हैं इंडिया के अंदर में लॉन्च हो चुका है। ये फोन आता है सैमसंग की तरफ से जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A9 2018। आज के में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस फोन के बारे में, क्या फोन है, कैसा फोन है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, साथ इस फोन के साथ में हम कुछ और बात भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। देखो मेरे भाइयों, शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सैमसंग ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में कंपनी है कि अगर ये कंपनी आज के टाइम पे नहीं होती तो जो को टेक्नोलॉजी हमको आज इस कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है वो शायद हमको आने वाले काफ़ी सालों बाद देखने को मिलती। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 की तो मामला यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वेल, सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस फोन में आपको क्या क्या मेन हाईलाइट चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले इस फोन को जो लुक है वो काफी इनहेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड से आपको ग्लास फ्रेम देखने को मिल जाएगी। जितने भी कलर इस फोन के यहाँ पे आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे काफी प्यारे हैं। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी। 18:9 का एस्पेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, फास्ट चार्जिंग वगैरह की, तो यहाँ पे आपको 3800 mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग ये फोन यहाँ पे सपोर्ट करता है। USB टाइप सी का पोर्ट आपको दिया गया है। हाँ, यहाँ पे अंदर से जो हार्डवेयर है वो वही आपको USB 2.0 वाला ही देखने को मिलता है। अगर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के कुछ इंटरनल की तो यहाँ पे आपको 6GB 128GB और 8GB 128GB ये दो रैम वेरियंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे बड़े ही आराम से लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन हाईलाइट चीज की जिसके लिए ये फोन यहाँ पे फेमस हुआ है, यानी कि क्वाड कैमरा। तो बैक साइड में आपको यहाँ पे चार चार कैमरा देखने को मिलते हैं। जो पहला कैमरा है वो यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का जो कि यहाँ पे आता है F1.7 अपर्चर के साथ में, ये एक प्राइमरी कैमरा है। जो दूसरा कैमरा है वो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का जो कि यहाँ पे एक डेप्थ सेंसर है, और यहाँ पे आपको जो अपर्चर मिलता है वो मिलता है F2.2 का। जो तीसरा कैमरा है वो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का जो कि यहाँ पे एक वाइड एंगल कैमरा है, और यहाँ पे आपको जो अपर्चर मिलता है वो मिलता है F2.4 का। और जो तीनों कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलते हैं ये वही सेटअप है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 में देखने को मिला था, जहां पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है बैक में। और कहीं ना कहीं इस फोन की जो फोटो क्वालिटी है वो आपकी सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के जैसे यहाँ पे हो सकती है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के जरिए ऑप्टिमाइज किया हो, बट स्टिल यहाँ पे जो फोटो क्वालिटी है ये दोनों फोन के लगभग सिमिलर ही यहाँ पे हो सकती है। हाँ, इस फोन में आपको जो चौथा कैमरा है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे आपको ये जो कैमरा है टेलीफोटो लेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, और 2x ऑप्टिकल जूम आप यहाँ पे ले सकते हो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो 24 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलता है जो कि F2.0 अपर्चर के साथ में देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, साथ ही बिक्सीबी का सपोर्ट मिलता है, और NFC भी आपको इस फोन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फोन के बैक साइड में देखने को मिलेगा, और फेस अनलॉक भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम का Snapdragon 660 जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन मैंने लेकिन क्यों कहा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हम लोग जानते हैं इस फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो फोन है 6GB और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है लगभग 36,990 रुपये, यानी कि 37,000 का। और जहाँ पे 8GB और 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग 29,990 रुपये का। अभी आप लोग सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आप लोग 37,000 या फिर 40,000 के प्राइस सेगमेंट में क्वालकॉम का Snapdragon 660 यहाँ पे लेना पसंद करोगे? क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलता है, क्या इसके बाद आप लोग यहाँ पे लेना पसंद करोगे? आई नो कि बहुत सारे सैमसंग लवर ऐसे होंगे कि हाँ भाई, मैं इस फोन को यहाँ पर जरूर लूंगा। चलो ठीक है, फोन यहाँ पे अच्छा है, लेकिन यार स्टिल इस फोन की प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा है, ओवर है। हाँ, मैं यहाँ पे यह बात इसलिए भी कहना चाहूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी A6X जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था, वो फोन यहाँ पर लॉन्च हुआ था क्वालकॉम के Snapdragon 660 के साथ में, और वो जो फोन है चाइना के अंदर बिकता है लगभग 18 से 20 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में। अब ऐसा यहाँ पे सैमसंग ने क्यों करा, उससे पहले आपको बता दूं कि वो जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी A6X वो यहाँ पे बना है ODM के जरिए, यानी कि सैमसंग ने उस फोन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं किया, सैमसंग ने उस फोन को यहाँ पर डिजाइन नहीं किया, सैमसंग गया किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर के पास में जो कि चाइना का है, उसके पास यहाँ पे सैमसंग ने फोन उठाया, अपना नाम चिपकाया, लोगो चिपकाया, अपनी UI डाली, जो भी कुछ यहाँ पे करा, और सैमसंग के मार्केट में उस फोन को यहाँ पे सेल करा। अब सैमसंग को ऐसा करने की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया चाइना में ना जो चाइना की जनता है ना वो अपने जो होम कंट्री के स्मार्टफोन है, यानी कि Huawei हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी लिया, Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, उन सभी को यहाँ पे जो है प्रेफर करती है, और इसलिए जो है सैमसंग का जो मार्केट शेयर है ना वो 1%
परसेंट से भी यहाँ पर डाउन जा चुका है चाइना के अंदर में, और इसलिए चाइना में सैमसंग ने ऐसा करा। अब ये मत कहना कि वो सारे लोग तो पागल हैं जो चाइनीज कंपनी की तरफ जाते हैं, सैमसंग जैसी अच्छी कंपनी की तरफ नहीं जाते हैं। अरे भाई, वो चाइना के ही लोग हैं और पहले उनको जो है अपनी होम कंट्री के ही स्मार्टफोन उनको सही प्राइस में देखने को मिलते हैं, तो वो क्यों यहाँ पे जो ओवर प्राइस उनको फोन देखने को मिलते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से उसकी तरफ यहाँ पे क्यों जाएंगे। और इसलिए जो सैमसंग का मार्केट शेयर है चाइना के अंदर में वो यहाँ पे 1% से भी कम जा चुका है, और इसलिए सैमसंग ने ये काम करा। इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यार मुझे लगता है कि ये जो फोन है ना ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ओवर प्राइस यहाँ पर निकल के हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो है नए टेक्नोलॉजी यूज की है, 4-4 कैमरा सैमसंग की तरफ से आते हैं, पहला फोन यहाँ पे दुनिया का जिसके साथ में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। तो यार देखो, आप लोगों ने देखा है कि जिस भी फोन में हमको नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है उसकी प्राइस शुरुआत में यहाँ पे हाई होती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे नई होती है, बट स्टिल यार सैमसंग ने इसकी प्राइस को जो है कुछ ज्यादा हाई यहाँ पे कर दिया है। अगर मुझे लगता है कि यार इसके साथ में आपको चलो मान लेते हैं क्वालकॉम का 710 यहाँ पे देखने को मिलता तो भी हम यहाँ पे कह सकते थे कि चलो यार ठीक ठाक यहाँ पे सैमसंग ने इस फोन के प्राइस को यहाँ पर रखा है। बट स्टिल मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे कैमरे के लिए फोन लेना चाहते हो तो चलो ठीक है, आपको यहाँ पे कैमरे के कुछ यहाँ पे फीचर देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा, पर ये नहीं कहूंगा कि क्वालिटी अगर 4000 कैमरा लगे हैं तो काफी अच्छी मिलेगी, कुछ आपको यहाँ पे फीचर और अच्छे देखने को मिलेंगे, हालांकि क्वालिटी यहाँ पे अच्छी होगी ही। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे चाहिए परफॉर्मेंस, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, तो आपको इस प्राइस में जो है OnePlus 6 और Asus ZenFone 5Z जो कि इससे भी सस्ता है वो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे होगा और उन फोन की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हो। और इतना ही नहीं, इन दोनों फोन का जो कैमरा है वो भी यहाँ पे काफी कमाल का है। वैसे आपको क्या लगता है कि सैमसंग ने इस फोन को लॉन्च करके यानी कि इसकी जो प्राइस है उसको इंडिया में 37,000 और 40,000 रुपए रख के सही काम करा है या फिर गलत काम करा है, जरूर से बताना मुझे कमेंट में। अगर आपके वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत भूलना, साथ ही अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।